जालंधर की फायर ब्रिगेड खस्ता हालत में थी और आगे दिवाली का त्योहार है जब आतिशबाजी के कारण आग लगने के मामले बढ़ जाते हैं, लेकिन आज शहरवासियों को खासी राहत मिली जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फायर ब्रिगेड का नवीनीकरण किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद चौधरी संतोष सिंह ने किया। उनके साथ मेयर जगदीश राज राजा और विधायक बाबा हेनरी भी मौजूद रहे। इस नवीनीकरण में नई अग्निशमन गाड़ियां और दूसरे यंत्र शामिल हैं। ये नवीनीकरण 1,24,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। सांसद ने कहा कि 4 क्विक रिस्पांस व्हीकल आए हैं जो कि शहर की तंग गलियों और बाजारों में जाकर आग बुझा सकेंगे जहां बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। एक लाइटिंग टावर है जो अंधेरी जगहों पर बैटरी से चलेगा और एक लाइफ डिटेक्टिंग मशीन है जिसे अगर कोई मलबे में जिंदा दबा हुआ है उसके बारे में जानकर कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जालंधर में फायर सेफ्टी दे मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे कुछ मशीन जी असी लिया 1.24 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के इन्होंने लाया जिसे एक क्विक रिस्पोंस व्हीकल्स है, लेकिन 4 व्हीकल्स है ये जिते पीड़ियाँ गड़ियाँ इंटीरियर जिते फायर ब्रिगेड की वड्डी जी गड्डी नहीं जाती उत्थे जाणगियां और उत्थे ये कर लिया और इस दे नाल एक लाइटिंग टावर है जिते कई बार नेरा भी चार हो जाते हैं ये थले जनरेटर लगा और ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती जिते नेरा हो और उस एक लाइफ डिटेक्टर फीस हैगी जिदा मलबे के थले कोई विक्टम थले दबिया हो उन्होंने लोकेट करने वास्ते वो जो है लाइफ डिटेक्टर वो लाएंगे तो पता लग जूगा कितने का और उस तो बाद एक हैगा विक्टम लोकेशन जिदे कैमरा ऐसा होगा लगा जोड़ा कि जिसे विक्टम अंदर कितने फसया वो गल भी हो सकती है। सो मैं समझता कि फायर सेफ्टी वास्ते ये बहुत अति जरूरी चीज़ें सी क्योंकि शहर बड़ा कंजस्टेड है जो इंटीरियर है जो डाउन टाउन है वो बड़ी गड्डी जाती नहीं सी ना इस तरह के कोई सके। सो ये मैं समझता कि एक बड़ी आवश्यकता सी इन्हें और स्मार्ट सिटी मिशन चो असी लिया इस बहुत ज़्यादा फायदा जिंद शहर में।